A very pleasant morning, my dear students. Now, today in the e-learning classes, the last topic or the last portion that is left in the semester one, that is statistics. I will start with this one, statistics. I will keep this one to the last because I am knowing that this topic is very easy. Why very easy? There's two reasons for that one. The reason one, that you have been studying statistics right from class 5, when you are a pictograph, or in class 7 or 8 you have introduced about mean or the single data. And the second thing, the second reason for this one is that very less calculation, very less steps, only you need to do some addition, multiplication and division, bas. केवल इन तीन चीजों से आपको स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों. याद रखना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मीन. देयर आर थ्री टर्म्स यू हैव टू स्टडी, मीन, मीडियन एंड मोड, ऑफ व्हिच यू हैव ऑलरेडी नोन इन क्लास 9 दैट दे आर द सेंट्रल टेंडेंसी एंड यू हैव बीन स्टडिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डेटा, interpretations, tabulations, analysis and conclusion. ये पांच steps होते हैं. इसके विषय में आप पढ़ चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा. आपको अब ग्रुप डेटा के मीन निकला मीन कैलकुलेट करना सीखना है बच्चों. तो ग्रुप डेटा के मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मीन मेथड, और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मेथड के विषय में पढ़ेंगे. तो डायरेक्ट मेथड, जैसा कि इसमें नाम है, डायरेक्ट मतलब इसमें केवल हमको एडिशन और कैलकुलेशन करना है. सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं. ये क्वेश्चन मैं आरडी शर्मा से ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.3. इसमें क्लास इंटरवल हमारा यू दिया हुआ है. पहले मैं उसको मेंशन, ये दो फॉर्म आपको दिए रहे हैं बच्चों, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. तो क्लास इंटरवल पहले मैं मेंशन कर रहा हूं, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 and 32 to 40. ये आपके क्लास इंटरवल हो गए. और फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 9, 10, 5, 9, 10, 8 और 8. ये दो चीज बच्चों आपको दिए रहेंगे और आपको मीन आपको निकालना पड़ेगा. तो डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले एक टर्म हम लोग सीखेंगे, उसको बोलते हैं मिड वैल्यू. तो मिड वैल्यू क्या है? जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसमें जो बाईं तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो राइट साइड में रहेगा उसको बोलते हैं अपर लिमिट. तो किसी भी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालने के लिए उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके हम दो से डिवाइड करेंगे. तो 0 + 8 / 2 कितना हुआ हमारा? 4 हुआ. तो ये हो गया इसका मिड वैल्यू. उसी तरह इसका निकालेंगे, 8 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 16 और 8 24 24 / 2 कितना हुआ हमारा बच्चों? 12 हुआ. अब एक और ट्रिक मैं बता रहा हूं, हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर 2 से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. केवल आप इंटर रिलेशनशिप देखिए कि लोअर लिमिट से हमारा कितना ज्यादा है उसका मिड वैल्यू. तो 0 में कितना ऐड करने पर 4 आया? 0 + 4 = 4. उसी तरह 8 से 12 कितना आया? उसमें हमने 4 ऐड किया. तो सब लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे? अब 4 ऐड करते चले जाएंगे. 16 + 4 कितना हो जाएगा ये बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 20. 24 + 4 कितना हो जाएगा हमारा? 28. और 32 + 4 कितना हो जाएगा ये हमारा? 36. एक बार मैं और आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं. मिड वैल्यू निकालने के लिए हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे किसी भी क्लास इंटरवल का. जैसे 0 to 8 का हम मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0 + 8 = 8 एंड 8 / 2 = 4 हो गया. अब इस
जो मिड वैल्यू निकला है उसके लोअर लिमिट से हम रिलेशन निकालेंगे. जीरो में कितना ऐड करने पर फोर हुआ बच्चों, फोर. तो जितने भी लोअर लिमिट हैं क्लास इंटरवल के सब में हम फोर ऐड करते चले जाएंगे, तो उस क्लास इंटरवल का हमको मिड वैल्यू फाइंड आउट होता चला जाएगा. 8 + 4 = 12, 16 + 4 = 20, 24 + 4 = 28 and 34 + 4 = 36. अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमको निकालना है एफ आई और एक्स आई का वैल्यू निकालना है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20, 12 × 9 = 108, 20 × 10 = 200, 8 × 28 = 16, 8 × 64 हमारे पास 6 बचा, 8 × 16 + 6, 16 और 6 हुआ हमारा 22, 8 × 36, 8 × 6 = 48, 4 remaining, 8 × 48, 4 remaining, 8 × 24, 24 + 4 = 28. तो ये स्टेप करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना है. अब यहां पर बच्चों हमको दो वैल्यू निकालना है, वो दो वैल्यू क्या है, हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई. अब मैं इस वर्ड सिग्मा के विषय में आपको बता दूं, ये नोटेशन आप पढ़ चुके हैं, इसको बोला जाता है सिग्मा, एस आई जी एम ए. सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, जैसे हमारे हिंदी में होते हैं क ख ग ग ङ अ आ इ ई, उर्दू में होते हैं अलिफ बे ते से, इंग्लिश में होता है ए बी सी डी, उसी तरह ग्रीक के जो अल्फाबेट होते हैं उसमें होते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, ये सब लेटर्स होते हैं. तो सिग्मा उसी का लेटर है. तो सिग्मा वर्ड एक नोटेशन के रूप में यूज होता है, जिसका अर्थ होता है सम ऑफ द डेटा. जो भी डेटा है उसको पूरे को ऐड करने पर कंपोजिट एडिशंस जो आता है उसको एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नोटेशन होता है हमारा सिग्मा. सिग्मा को हम इस तरह से लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर है. तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया सम ऑफ डेटा. अब इसको ऐड करेंगे, 5 and 9, 9 and 5, 14, 14 + 8, 14 और 8 हो गया हमारा 22, 22 + 8 = 30 and 3 + 1 = 4. एक बार और हम देख ले, 8 और 8 = 16, 16 और 4 = 20, 5 + 25 = 25, 30, 3 और 1 = 4. एक बार जरूर रिपीट करेंगे, 3 = 2. ठीक उसी तरह से बच्चों हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू निकालेंगे. जैसे यहां ऐड किए वैसे यहां ऐड किए. मैंने कहा था ना कि स्टैटिस्टिक्स में क्या है, केवल तीन ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. कहीं कहीं आप जब मीडियन में जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन भी यूज करेंगे. बेसिकली इन्हीं तीनों से आपका सारा मीन मीडियन मोड आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहां ऐड करेंगे, 8 + 4 = 12, 12 + 8 = 20, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8. चलिए एक बार और ऐड कर देंगे, 8 and 4, 12 + 8 = 20, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6 + 2 = 8. चलिए ये इतना काम आपको कर लेना बच्चों, इसके बाद केवल एक स्टेप है. पहले ये दो चीज दिया रहेगा आपको, फिर हम मिड वैल्यू निकालेंगे. मिड वैल्यू को मैंने निकालने का मेथड आपको बता दिया क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है. 0 + 2 / 2 = 2, 2 = 4 = 8. उसके बाद इस जीरो इस लोअर लिमिट से और इसका क्या रिलेशन है, कितना ऐड करने पर 4 आया, 4. तो हर एक लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, 4 ऐड करते चले जाएंगे और उस क्लास इंटरवल का हमको मिड वैल्यू निकल जाएगा. आसान है बच्चों, बहुत आसान है. जैसे 8 + 4 = 12, 16 + 4 = 20, 24 + 8 = 28 and 32 + 4 = 36. ये जो मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम फ्रीक्वेंसी और इस मिड वैल्यू को
मल्टीप्लाई करके एक नया टेबल हम बनाएंगे जिसको हम एफ आई और एक्स आई के नाम से जानेंगे. 5 4 20 9 12 108 10 28 224 and 8 36 288. ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम निकालेंगे, उसको सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद एफ आई एक्स आई के जो हम अलग अलग कैलकुलेट किए उसका सम निकालेंगे और उसको सिग्मा एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे. ये हो गया आपका थर्ड स्टेप. अब आते हैं फाइनल स्टेप में. तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एकदम आसान है बच्चों. अब यहां हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या है, 840/4 and 0. अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 4 2 8 and 4 1 4 = 21. तो मीन हमारा कितना निकला बच्चों, 21. तो हमारा आंसर कितना हो गया, 21. अब इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम आर एस अग्रवाल से या आर डी शर्मा से, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस है, इसलिए आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से बनाइए. एक बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करना है बच्चों, हेड मैम और यशा मैम शेयर की थी कि 10th क्लास के बच्चों ने स्कूल की कॉपी को बहुत कम खरीदा है, बहुत कम बच्चों ने स्कूल की कॉपी खरीदा है. इसका मतलब है कि आप बहुत से बच्चे या तो होमवर्क नहीं बना रहे हैं या बना भी रहे हैं तो दूसरे कॉपी में बनाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा. अभी भी आप स्कूल की कॉपी प्रेप में जाकर खरीद सकते हैं. वहां प्रेप में किसी भी समय जाइए, 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्कूल की कॉपी भर खरीदिए और सारे होमवर्क आपको उसी स्कूल कॉपी में बनाने हैं बच्चों. याद रखिएगा 20 मार्क्स है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. और आप जानते हैं कि हमारे पिछले साल के बच्चे इस बार, आप अब किसी बच्चों से पूछ लीजिए जिनको 90 ऊपर आया है, कम से कम उन बच्चों ने 8 से 10 कॉपी बनाया था कम से कम. और जो बच्चे कम से कम, जो कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो 6 से 7 कॉपी बनाए थे. तो आपका कॉपी एकदम भरा होना चाहिए और वो भी सारे होमवर्क स्कूल कॉपी में ही होना चाहिए. आप स्कूल कॉपी जाकर खरीदिए और उसमें होमवर्क बनाइए. आज का आपका होमवर्क है कि मीन आपको डायरेक्ट मेथड से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनाने. यू कैन सेलेक्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल बुक, बट देर आर 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, दैट इज मस्ट. ओके, टिल देन इसके बाद वाले वीडियो में मैं मिलूंगा जिसे मैं सेकेंड मेथड एक्सप्लेन करूंगा, एज्यूमिंग मीन मेथड. टिल देन ऑल द बेस्ट.